मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी पार्ट 1 एनसीईआरटी पैटर्न पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेरा मानना यह है आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन कैसे देख पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊँगा, मैं केवल आपको बताऊँगा कि हाँ ये एंट्रीज हैं, ये क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दूंगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको क्या करना है, जब ये वीडियो आप तभी देखें जहाँ तक पॉसिबल हो जब आप अपना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपनी बुक निकाल लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी मैंने एक थोड़ा सा प्रोफार्मा बनाया है, ये मैंने अभी ऐसे ही अभी लिखा है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं एंट्री के अकॉर्डिंग। खैर एनीवे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी जो पहली एंट्री है, अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। मोहित हैज़ दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमें, अकाउंटिंग इक्वेशन ए नंबर पे कौन सी है। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब कैश आता है तो दोनों तरफ लिखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि असेट साइड भी और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की साइड भी। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि इंक्रीज़ हुआ है कैश, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ आज, इंक्रीज़ इन कैश, कैश हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो हम कैश के कॉलम में लिख देंगे कितने रुपए से बिजनेस में पैसा आया है, 1,75,000, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल में भी हमें दिखाना पड़ेगा इंक्रीज़ इन कैपिटल, इंक्रीज़ इन कैपिटल दिखाने के लिए 1,75,000 को कैपिटल के ठीक नीचे लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइन खींच लेना है, लाइन ड्रॉ करना है, अब यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 1,75,000 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही लिख देंगे 1,75,000, ये हमारा नॉर्मल इस तरीके से करेंगे। अब हम एंट्री नंबर बी करते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर बी हम जो करेंगे वो है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है परचेज किया है रोहित से गुड्स, ठीक है, परचेज किए हैं रोहित से गुड्स। तो गुड्स मतलब स्टॉक, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक में आ जाते हैं। तो रोहित से लिए हैं 50,000 रुपये के, लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया, यानी कि उधार में लिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब पेमेंट का नाम नहीं आ रहा है कैश वगैरह में तो वो चीज़ उधार ली गई होती है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 को उधार मानेंगे, ठीक है। अब रोहित से लिए हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टॉक है हमारा बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंक्रीज़ इन स्टॉक, यानी कि गुड्स हमारे पास आए, कितनी वैल्यू है गुड्स की, कितनी है, इंक्रीज़ इन स्टॉक, इंक्रीज़ इन स्टॉक की जो वैल्यू स्टॉक के ठीक नीचे लिख दीजिए 50,000 रुपीज़, ठीक है, 50,000 रुपीज़ आपने लिख दी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखना है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अभी हमें अपना 50,000 रुपये जो हमने उधार लिया है, मतलब 50,000 रुपये के जो गुड्स हमने उधार लिए हैं उसको हम क्या दिखाते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए हैं, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, जो कि लाइबिलिटीज, सॉरी यहाँ पे आपका, ठीक है, जो कि आपका क्रेडिटर्स, हम यहाँ पे दिखा देते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ठीक नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ पे आप 50,000 रुपीज़ दिखा दीजिए, थोड़ा ये आगे पीछे हो गया है, उससे कोई परेशानी नहीं, आप इस तरीके से कीजिए। ये हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको लाइन खींच लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंट्री हमारी कंप्लीट है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम सी वाली एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। सी वाली एंट्री को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 50,000 का 50,000 रुपीज़ आप एज इट इज नोट कर लीजिए, प्लस 1,75,000 आप ऐसे ही लिख लीजिए ये सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आप 50,000 ऐसे ही लिख दीजिए और प्लस 1,75,000 आप ऐसे ही लिख दीजिए, इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम सी वाली एंट्री करेंगे। सी वाली एंट्री में अगर आप ध्यान दें तो बोल रहा है वो सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार गुड्स बेचे गए हैं मनीष को,
जिनका दाम था 17,500 रुपये, लेकिन उसे बेचा गया है 20,000 रुपये में। यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, जब भी वो हमें पैसे देगा तो थोड़ा फ़ायदा होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, यानी कि क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स यानी कि जो हमें पैसे देंगे वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो सेल्स गुड्स टू मनीष ऑन क्रेडिट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री में इंक्रीज इन डेटर्स, क्योंकि भाई हमारे हमें जो देंगे पैसा वो बंदा एक बढ़ गया है, वो एक व्यक्ति बढ़ गया है। इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स का यहाँ पे आ जाएगा मनीष का नाम लिख ले रहे हैं हम लोग, ताकि हमें ये ध्यान रहे, इंक्रीज इन डेटर्स। अब इंक्रीज इन डेटर्स में क्या है, डेटर हमें कितने रुपए देंगे, यहाँ पे हम कॉलम भी यहाँ पे लिख लेते हैं डेटर्स का, डेटर्स के नीचे सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये नहीं करना है, हाँ यहाँ पे डेटर्स का कॉलम यहाँ पे, तो 20,000 रुपीज़ हमें वो मनीष जो है वो देंगे, ठीक है। मनीष व्यक्ति जो हमें है 20,000 रुपये देगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंक्रीज इन डेटर्स तो हो गया, ठीक है, और डिक्रीज इन स्टॉक भी होगा, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, डिक्रीज इन स्टॉक। कितनी वैल्यू गई है हमारे पास से, मतलब जो भी हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी गई है, 17,500 रुपये के हमारे पास से गुड्स चले गए, ठीक है, सर चले गए, जो चीज़ जाती है वो डिक्रीज़ में हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब ये है कि माइनस हो गई है। डेटर्स में क्या है, हमने 20,000 रुपीज़ लिख दिए कि भाई 20,000 रुपये हमें मिलेंगे, और 17,500 हमारे पास से गए। तो अब 17,500 के गुड्स गए, लेकिन मिलेंगे कितने, 20,000। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2,500 रुपये जो है वो हम प्रॉफिट दिखा देते हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल हमारा जुड़ जाता है। प्रॉफिट हमें हो गया 2,500 रुपये का, कितने का हो गया प्रॉफिट, 2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का। कैसे हुआ, क्योंकि 17,500 प्लस 2,500 कितने हो गए, 20,000, इसीलिए हम यहाँ पे 2,500 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल के ठीक नीचे दिखा देंगे, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ये वाली एंट्री, सी हमने कर चुकी है, सी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए 1,75,000 को 2,500 से प्लस कर दीजिए, 1,77,500 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 50,000 रुपीज़। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी तबीयत ऐसी है, वीडियो थोड़ा सा साउंड इसमें कम आपको सुनाई दे रहा होगा। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए 50,000 में से हम क्या करेंगे, 17,500 को माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 32,500 रुपये, 32,500 रुपये हमारे पास आ गया है। और यहाँ पर हम 1,75,000 का एज इट इज़ नोट कर लेंगे, प्लस 20,000, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 20,000 रुपीज़ हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो अब ये दोनों साइड है, मतलब हम देखते हुए चलेंगे। अब हमारे पास आ जाता है डी, डी वाली जो एंट्री है उसमें हमने क्या किया है भाई, देख लेते हैं। परचेज किया है हमने फर्नीचर ऑफिस के लिए, ठीक है, परचेज किया है फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए, जो है 10,000 रुपये की कीमत का। अब परचेज किया है फर्नीचर, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है इंक्रीज हुआ है फर्नीचर, यानी कि हमारे पास फर्नीचर आया है, तो जो चीज़ आ रही है वो इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि 10,000 रुपये का हमारा फर्नीचर बढ़ गया। अब ये फर्नीचर जो होता है, हम इसको अलग एक कॉलम इसका बना लेते हैं, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर के कॉलम में हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर जो है हमारा कितने रुपए का है, चेक कर लेते हैं, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, फर्नीचर तो चलो हमने परचेज कर लिया, आ गया, लेकिन हमारे पास से पैसे भी तो गए ना, क्योंकि ये तो हमने नगद ख़रीदा है, ठीक है, कैश में ख़रीदा है ना, ठीक, कैश क्या नाम है इसका, अभी चेक कर लेते हैं, परचेज हुआ ना, ठीक है, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, 10,000 रुपीज़ इंक्रीज इन, सॉरी यहाँ पे हम जो इंक्रीज इन फर्नीचर तो लिख दिया, लेकिन पैसे तो हमारे पास से गए हैं, तो हम यहाँ पे डिक्रीज इन कैश लिखेंगे, मैंने गलती से इंक्रीज इन कैश लिख दिया, चलिए डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश यहाँ पे हम जो है 10,000 रुपये दिखाएंगे, 10,000 कम हो रहे हैं पैसे,
₹10,000 कम हो रहे हैं, 10,000 रुपये का हमारा यहाँ पर फर्नीचर भी आ गया है, तो ये बराबर रहा, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं आगे, पहले तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, 32,500 का 32,500 हम यहाँ पे लिख देंगे, 32,500 ठीक है, प्लस 1,75,000 में से यहाँ पे आप देखेंगे कितना बचा हमारे पास, 1,65,000 रुपीज़ ठीक। फिर उसके बाद आप देख लीजिए 20,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, और फिर 10,000 रुपये ये सामने लिख दिया हमने ठीक। अब हमें करना क्या है, ये वाला भी हम सामने लिखते हुए जाएंगे, 50,000 रुपीज प्लस 1,77,500, 1,77,500 रुपीज़ भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें करना है इसको। अब देख लेते हैं ई वाला, ई वाला जो ऑप्शन, आज थोड़ा सा वीडियो में नॉइस भी हो सकता है, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ई ई में हम लोग जो पढ़ेंगे क्या दिखा रहा है, कैश पे हुआ है रोहित को। देखिए आप ध्यान करिए कि बी वाले पॉइंट में हमने परचेज किए थे कुछ गुड्स ठीक है रोहित से, जो 50,000 रुपये की कीमत पे हमने उससे खरीदे थे। अब जब हमने उसको पैसे वापस कर रहे हैं तो हमने उसको यहाँ पे लिखा है फुल सेटलमेंट हुआ है 48,500 रुपये में, तो यानी कि हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो डिक्रीज़ हो गए, यानी कि जो हमें जिनको हम मतलब हम जिनको पैसा उधार देते, सॉरी जिनको हम पैसा देते जो हमने उधार लिया था ठीक है, तो वो कम हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए हैं, यानी कि रोहित के पैसे हम अब नहीं, अब तो हम दे दिए हैं ठीक है, जो कि हमारे हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स के 50,000 रुपये लिख दिए, मतलब कि वो चले गए, हमने यहाँ से उनको दे दिए पैसे, तो वो हमारे माइनस हो जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास से गए कितने पैसे हैं, तो वो भी लिखना है डिक्रीज इन कैश, तो कैश के कॉलम के ठीक नीचे हम यहाँ पे 50,000 तो नहीं, क्योंकि हमारा जो सेटलमेंट हुआ है वो हुआ है 48,500 रुपये में, तो हम यहाँ पे 48,500 रुपये ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो हम 48,500 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं कि और हमें फ़ायदा क्या हुआ है, तो अगर आप ध्यान दें कि 50,000 रुपये के गुड्स थे और हमने जो है उसको 48,500 रुपये में सेटलमेंट कर लिया, तो हमें फ़ायदा हुआ 1,500 रुपये का, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है हम यहाँ पे शो कर देते हैं, प्रॉफिट हुआ है कैपिटल के ठीक नीचे यहाँ पे 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये का हुआ है, हाँ 1,500 रुपये का हुआ है प्रॉफिट, ये यहाँ पे हमारा आ जाता है 1,500 रुपये का प्रॉफिट ठीक है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे एंट्री इसकी कंप्लीट हो जाती है, बस कैलकुलेशन रह गई है, खींची लाइन ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 32,500 का 32,500 प्लस 1,65,000 में से कितना है, 1,65,000 में से आप 48,500 रुपये हम घटा देंगे तो बचे कितने, 1,16,500 ठीक है, प्लस 20,000 रुपीज़ एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब आप ये ध्यान रखिए मैंने घटा कहाँ से रहा हूँ, ये 1,65,000 में से 48,500 माइनस कर दिए हैं, याद रखिएगा ये हम ऐसे ही करते रहते हैं यहाँ पे ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे हो जाएंगे ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना मैं इक्वल्स टू अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं बाद में लगा दूंगा ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे कोई बचे हैं, बिल्कुल नहीं बचे हैं, तो हम यहाँ पे निल कर देते हैं, निल, कोई भी अब हम उधार किसी का नहीं बचा है। अब 1,77,500 में 1,500 प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 1,79,000 रुपीज़, वॉट इट, ये हमारी एंट्री ई की हो गई ठीक। अब हम करेंगे एफ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ठीक है। एफ वाली जो एंट्री है वो अब देख लेते हैं, एफ में हमें क्या बता रहा है देख लेते हैं भाई।
एफ पे बोल रहा है कैश रिसीव हुआ है मनीष से 20,000 रुपये। तो कैश जो है मनीष से 20,000 रुपये हमें रिसीव हुआ है, तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री हो जाती है कि कैश इंक्रीज हुआ है, यानी कि इंक्रीज इन कैश, कैश इंक्रीज हुआ है तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैश। कितना कैश इंक्रीज हुआ है ये हमें ध्यान रखना है। कैश हमारा जो दिखा रहा है वो इंक्रीज इन कैश 20,000 रुपीज़। कितना दिखा रहा है? 20,000 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इंक्रीज इन कैश तो हमारा हो गया 20,000 रुपीज़। तो भाई डिक्रीज इन डेटर्स यानी कि मनीष से, अगर आप यहाँ पे एंट्री देखें, सेल्स हमने गुड्स जो उसको उधार बेचे थे, मनीष ने हमें 17, हमारे जो गुड्स थे वो 17,500 के थे, लेकिन हमने मनीष को 20,000 रुपये के बेचे थे, तो हमें 20,000 रुपये तो मिल गए, लेकिन हमारे पास से जो भी है यहाँ पे देखना है, एक सेकेंड रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो हमारे पास आए कितने, कैश हमारे पास जो आया है वो 20,000 रुपये आ चुका है कैश इस वक्त, ठीक है। और जो डेटर्स हैं, ठीक है, जो डेटर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे, मेरे को थोड़ा सा समझना है, एक सेकेंड, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब जो डेटर्स हैं, यानी कि डेटर्स हमारे 20,000 रुपीज़ वो कम हो जाएंगे, मतलब अब हम यहाँ पे ये हमें नहीं देंगे अब पैसे, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे अब ये दे चुके हैं, तो यहाँ वाला हम कॉलम अब माइनस में इसमें लिख देंगे कि भाई 20,000 रुपीज़ माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें और क्या करना है इसमें, बस ये वाला हमारा एंट्री क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट लगे तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 32,500 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये हो जाएंगे 136,000 रुपये, सॉरी 36,500, 136,500 प्लस डेटर यानी कि देने वाले पैसे, देने वाले तो भाई हो गए कंप्लीट 20,000। अब क्यों हो गए कंप्लीट, क्योंकि 20,000 में से 20,000 घट गए, ये जो 20,000 था यहाँ पे हमने जब 20,000 माइनस का लिखा तो ये निल हो गया, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे 10,000 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, यहाँ पे निल रहेगा, क्योंकि अभी कोई भी हमने, हम किसी को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जो हमने उधार लिया था वो भी चुकता हो चुका है पिछली एंट्री में, आपने ध्यान दिया होगा। तो अब यहाँ पे हम 1,79,000 रुपीज़ एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारी हो गई एंट्री कंप्लीट। अब हम जी वाली एंट्री पे आ जाते हैं, जी एंट्री पे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है जो आप लोगों ने ध्यान दी होगी, इंक्रीज इन कैश तो लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था डिक्रीज इन डेटर्स, वो मुझे मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया। एनीवे चलिए, ये हमारी एंट्री कम, ये मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा है, ये वाली एंट्री के लिए, ठीक है। आज ना थोड़ा नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही है, तो थोड़ा मेरे को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो लगता है ना कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चली गई है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, या फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा बना लूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जी वाला जो है यहाँ पे देख लेते हैं। जी एंट्री में हम क्या करेंगे भाई, पॉइंट हमारा है जी, रेंट पे हो गया है 1,000 रुपये, रेंट पेड 1,000 रुपीज़। रेंट पेड का यहाँ पे मतलब है कि सीधा साधा हमने रेंट को पे कर दिया है। अब 1,000 रुपये रेंट पे हुआ है, तो हमारे कहाँ से कैपिटल से कटेगा, डिक्रीज इन कैश, ठीक है। तो 1,000 रुपये जो है एक्सपेंस है वो हमारे लिए, ठीक है, पहले तो हम डिक्रीज इन कैश यहाँ पे लिख देते हैं। अब 1,000 रुपये हमारे पास से चला गया, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज इन कैश। तो ये माइनस का निशान लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपीज़, जो कि माइनस का लगा के, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने कैश, यहाँ पे कैश हमने शो कर दिया, तो लाइन्स इधर उधर हो गई हैं, तो देख लीजिएगा, और बाकी हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस तरीके से ये वाली एंट्री भी क्लोज हो जाएगी कंप्लीट। अब
यहाँ पे हमें करना क्या है, वो मैंने एक ब्लैक से खींच दी ये लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है, इनको फिर से नोट करना है। तो देख लीजिए कितना हो गया, 1,35,500 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 1,000 माइनस हो गए, प्लस 32,500 रुपये हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ये तो निल रहेगा, प्लस ठीक है निल रहेगा, और ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, ये निल इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। ये देखिए 1,79,000 में से हम 1,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 1,78,000 रुपीज़, गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट हमारी एंट्री बनानी है, ठीक है। लास्ट एंट्री में देख लेते हैं भाई हमने क्या किया है। कैश विड्रॉ हो रहा है पर्सनल यूज के लिए, कैश हमने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी कैश विड्रॉ होगा पर्सनल यूज के लिए, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, यानी कि कैपिटल में कमी आना ड्रॉइंग, ठीक है। तो वो कितने की कमी आई है, 3,000 की, वो हम माइनस में दिखा देंगे, ठीक है। माइनस में हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब करना क्या है, डिक्रीज इन कैपिटल ड्रॉइंग, डिक्रीज इन कैश, क्योंकि भाई कैश में भी हमें दिखाना पड़ेगा कि डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन कैश। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे भी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब करना क्या है, सेम वही 32,500 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, फिर 1,32,500 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर निल हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 10,000 ऐसे ही लिख देंगे, फिर निल दोबारा लिख देंगे, प्लस 1,75,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है सारी। तो अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू इसका दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे है ये। अगर आप इसका पिक भी चाहते हो कि तो वैसे तो कई सारी वेबसाइट्स हैं उस पर अवेलेबल है ये, लेकिन इस वीडियो में सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, देखिए कैसे किया गया है। इंक्रीज इन कैश हुआ 1,75,000 रुपीज़, इस तरीके से हमने यहाँ पे किया, ऐसे ही स्टॉक में हुआ, ठीक है। सारी चीज़ें हम इस तरीके से लिखते जाएंगे, आप एक बार और देख लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। एक्चुअली इस वीडियो में थोड़ा नॉइस भी है, तो सॉरी फॉर दैट अगेन। तो चलिए, थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।